निष्ठा और ईमानदारी से जिस तरह से आपने काम किया, आज मसौली में भी हमने देखा होगा कि विपक्ष में बहुत ही बड़े लीडर खड़े थे, लेकिन मसौली के लोगों ने इस बार मन बना लिया था बदलाव का, क्योंकि उन्होंने भी मसौली का भी एक बड़ा दुर्भाग्य रहा। दशकों तक जिन्होंने राज करा, पहले 25-30 साल मंगतराम जी रहे, 25-30 साल चौधरी लाल सिंह जी रहे, बहुत दिग्गज नेता थे, लेकिन सिर्फ लोगों को उन्होंने गुमराह किया था। और वहां भी यही जो बनी में आज जो बीज बोया गया आपके यहाँ पे जात पात का, वही बीज उन्होंने 28 साल से मसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में बो रखा था। उन्होंने सिर्फ जात पात की लड़ाई, लोगों को जात पात के नाम पर लड़ाया, शहर गांव के नाम पर लड़ाया, मसौली कौन सा शहर है और गांव कहाँ है ये भी मुझे पता, लेकिन उन्होंने हमेशा शहर गांव की राजनीति करी, जात पात की लड़ाई राजनीति करी। लेकिन लोग आखिरकार समझते हैं, और यहाँ भी लोगों को बहुत जल्दी समझ आएगा, वो वहां के लोगों को भी समझ आया, इस बार उन्होंने जबरदस्त तरीके से मसौली विधानसभा में बदलाव करा। और मेरे को लगता है कि महाजन के लिहाज से हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़े महाजन से जो मसौली विधानसभा की हमारे लोगों ने, और जो बनी में जो हुआ है रिजल्ट, बहुत ही कम मार्जिन से हमारी बनी की सीट हमने हारी है, इसका हमें बड़ा दुख है, अफसोस भी है, क्योंकि कार्यकर्ता रात दिन काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता आपको कभी नहीं दिखे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता है, हर दुख में सुख में लोगों के साथ में खड़ा मिला होगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो भी गरीब कल्याणकारी योजना है उनको लोगों तक पहुंचाने में हमेशा रात दिन काम करता है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, ना कांग्रेस के, ना एनसी के, ना पीडीपी के, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता आपको लोगों के बीच में जाते हुए नहीं मिले होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर गया है, हर संभव मदद भी करी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सबके लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ऐसी पार्टी जिसका आज की देश आज की टाइम में पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनका 11वां साल चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपने देखा होगा मोदी साहब की जय जयकार हो रही है, कितने मोदी साहब का जबरदस्त नाम आज देश में और दुनिया में है। तो हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, आपको किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूं। मैं जिला अध्यक्ष के नाते भी जो पहाड़ी जिला में काम किया मैंने बनी मसौली बिलावर में, तो कभी बनी के कार्यकर्ताओं ने हमें बड़ा ही मान सम्मान सहयोग किया, और हर हमने हर जगह कार्यक्रम किए, मीटिंगें की, पोस्ट की मीटिंगें की, हमारे मोर्चों की मीटिंगें की, हमारे मंडलों की मीटिंगें करी, हर जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मैं आपको सबको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, हमारे जो जीवन जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनका भी हम मार्गदर्शन लेके चलेंगे, क्योंकि हम भी अभी मैंने सबके हमारे मसौली विधानसभा के लोगों के, आप सबके कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से विधानसभा में आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देके पहुंचाया है। तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि हमारे जो भी सीनियर लीडरशिप है, हमारे भाई जीवन जी हैं, इनका भी हम मार्गदर्शन लेंगे, और आप जितने भी बनी के लोग हैं, क्योंकि बनी के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, थोड़े कुछ लोग षड्यंत्र में कामयाब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से अंदर अंदर षड्यंत्र चला रखा था, हम लोग बात करते रहे, डेवलपमेंट की बात करते रहे, लोगों के विकास के लिए, लोगों के हित की बात करते रहे, उन्होंने और प्रकार का षड्यंत्र चलाया था, और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए हैं। लेकिन जैसे कि जीवन जी ने कहा कि हम हमारे लिए कोई एक ही इलेक्शन, विधानसभा ही कोई इलेक्शन नहीं थी, आगे भी बहुत सारी इलेक्शन आनी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे और 7 दिन इलेक्शन हो या कोई भी कार्यक्रम हो उसे करने के लिए तैयार रहता है। तो हमने आगे भी हमारे सरपंच बनने हैं, BDC, DDC, हर इलेक्शन के लिए हमने तैयार रहना है। और आप लोगों को मैं सिर्फ ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कमजोर ना समझें, किसी से डरे नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों के साथ हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के 5 विधायक हैं, और बड़े भाई हमारे जीवन जी भी हमारे विधायक ही हैं, और लोगों ने बड़ा साथ दिया है। मैं तो सबसे कार्यकर्ताओं से आग्रह भी करूंगा कि आप सब लोगों के बीच में जाइए, लोगों का धन्यवाद करिए, क्योंकि मुझे भी काफी सारे इलाके से फोन आए कि लोगों को अपनी गलती का एहसास अभी हो गया है। मैं जोड़े माता का गया था तो वहां भी मुझे काफी लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, हम लोग गुमराह हो गए थे, हमें अफसोस है कि हमने उनको क्या समझ के वोट दिया था, और आज वो लोग कहां जाके बैठ गए हैं। तो लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई है
उसमें 26.6% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और जिनकी सरकार बनी है जिनके 42 विधायक बने हैं उनको सिर्फ 23% वोट मिला है। आप देखो और श्रीनगर में भी हमें प्रदेश की सीट हो 7 राउंड तक हम वहां आगे रहे। आपकी अनंतनाग वेस्ट की सीट हो वहां भी हम 6-7 राउंड तक आगे रहे और उसके बाद शोपियां की सीट हो वहां भी हम 6-7 राउंड आगे रहे। तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में उनका विश्वास बढ़ा है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ जम्मू संभाग की हम जो 5-7 सीटें हमने हारी हैं उन लोग हमारे गुमराह हो गए, बेचारे सीधे साधे लोग हैं हमारे, कुछ षड्यंत्र नहीं समझ पाए। उस षड्यंत्र के कारण बहुत ही कम मार्जिन से हमने जो कुछ सीटें हारी हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी फिर भी आगे हम बढ़ रहे हैं। पहले 25 विधायक थे, इस बार 29 हुए हैं। एनसी को 23% वोट मिला है, हमें 26.6% वोट मिला है पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सभी आप ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत, आप लोगों की मेहनत के बदौलत और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से निष्ठावान से काम करते हैं। आगे भी हमने भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार से काम करना है, समय मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को और आगे हमने बढ़ाना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, इस बात की भी पक्की गारंटी है। तो मैं इतना ही कहता हुआ आज मैं बनी में आया हूँ। सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने बड़ा ही मुझे प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया, मैं आपका सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आगे के लिए आपको इस चीज के लिए भी मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरे लायक कोई भी काम हो आप आधी रात कभी भी मुझे फोन कर सकते हो, मैं आपकी सेवा के लिए रहूंगा। आप सब काफी संख्या में आज यहाँ आए, सबने ही बड़े अच्छे से, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, जीम जी हो उत्तम जी हो, सबने भी बड़े अच्छे से विस्तार से सारी बातें रखी, हमने आपस में चर्चा करी, बड़ा ही अच्छा लगा। आपका सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।